हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंटी किचन। आज एक और नई यूनिक रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, जो कि आलू और सोयाबीन से बना के तैयार करूँगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं एक बाउल ले लेती हूँ, उसमें मैं सोयाबीन डालूँगी। सोयाबीन और आलू को मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। अब इन सोयाबीनों को हम हाथ से मैश कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेते हैं। और साथ ही मैं आलू को भी हाथ से मैश कर लूँगी। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने छोटा छोटा चॉप करके रख लिया था, और कुछ प्याज मैं बाद में के लिए बचा देती हूँ। और साथ ही मैंने हरी मिर्च को भी चॉप करके रखा है, उसे ऐड करूँगी। और साथ ही अदरक लहसुन को मैंने कूट के डाल दिया है। अब इसमें मैं एक छोटी कटोरी के करीब में धनिया पत्ता ऐड करूँगी, और एक बड़ा चम्मच चावल का आटा ऐड करती हूँ, और उसी चम्मच से दो चम्मच मैं बेसन ऐड करूँगी। अब मैं इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जीरा पाउडर ऐड करती हूँ, और साथ ही मैं एक चम्मच गरम मसाला भी ऐड करूँगी। और नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर लेती हूँ, और साथ ही लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लीजिएगा। अब मैं इसमें दो छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मैश करके मिला लेंगे। अब हम इसका छोटा छोटा एक लोई तैयार कर लेंगे, इस तरीके से हाथों में लेके, जैसे आटे का लोई बनाते हैं उसी तरीके से हम छोटा छोटा लोई बना के तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं इन सभी को छोटा छोटा लोई बना के तैयार कर लूँगी, और इसे हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही गैस पे कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे एक एक करके डालेंगे और इसे फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसे दो बार करके फ्राई करूँगी। तो आप गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखिए, और इसे हल्का हल्का चलाते रहिए ताकि ये चारों तरफ अच्छे से पक जाए। हमें इसे गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। आज मैं आपको सोयाबीन की एक नई रेसिपी बना के बता रही हूँ, जो कि काफ़ी इजीली बन जाता है। ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, और बाकी बचे हुए को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं दूसरे एक कढ़ाई को गैस पे रख लूँगी, और उसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल डालूँगी और उसे गर्म कर लूँगी। अब मैं इसमें एक बड़ी इलायची और चार पाँच लौंग के दाने डालती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा पाँच फ़ोरन भी ऐड करूँगी, और साथ ही मैंने एक छोटी कटोरी प्याज को काट रखा था उसे ऐड कर लेती हूँ, और साथ ही मैंने थोड़े से अदरक और थोड़े से लहसुन को चॉप करके रखा है उसे डालूँगी। अब मैं इन सबको हल्का गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लूँगी। अब मैं छोटी कटोरी में एक कटोरी मैंने टमाटर काट रखा है उसे ऐड करूँगी। अब मैं इसे भी हल्के हाथों से चलाते रहूँगी। आप गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखिए। अब मैं इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेती हूँ, और इन सबको भी हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर भी ऐड करूँगी, और साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी। तीखा आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अब मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी। नमक हमें अपने स्वाद अनुसार ही लेना है। अब हमें इसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेती हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पका लेंगे, ताकि मसाला हमारा सही से पक जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए थोड़ी देर के बाद मसाला बिल्कुल सही से पक चुका है। अब मैं इसे हल्के हाथों से चला लूँगी। अब मैं इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी ऐड करूँगी। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। तो मैं इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, इसलिए कम पानी ऐड किया है। अब मैं एक चम्मच गरम मसाला डालूँगी, और इसे थोड़ी देर उबलने के लिए रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी सही से उबाल आ चुका है। अब हमने जो फ्राई करके रखा है सोयाबीन को, उसे मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसे हम सोयाबीन का कोफ्ता भी कह सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल लूँगी, ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए।
तो आज की हमारी आलू सोयाबीन की यूनिक रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर भी कीजिएगा। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। इसी तरीके से एक और नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।